हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सुबह का नहीं, दिन की सुबह है। और अभी ये देख लो, यहाँ पे तीर्था जो है वो सो रही है। अभी फटाफट मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और जो सारे रूटीन के काम है वो फटाफट मैं कर लेती हूँ। उसके बाद रीठा जब उठेगी तो आपको उनसे मिलवाऊंगी। और हाँ, मैं आपको कह रही थी कि मैं दिखाऊंगी दिखाऊंगी कि मैं क्या लाई हूँ, पर मैं दिखा ही नहीं पाई। तो आज के व्लॉग में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी दिखा दूंगी कि क्या लाई हूँ मैं। ठीक है, वैसे कुछ खास नहीं है, तो अगर देखना है तो खास है, नहीं देखना है तो नहीं खास है, तो दिखा दूंगी। ठीक है, आज आपको मैं, तो चलिए पहले फटाफट मैं नाश्ता कर लेती हूँ अपना, और उसके बाद रीठा उठेगी तो उसे मिलवाती हूँ। और आज मैंने अपने बाल भी वॉश किया है तो वो गीले है, थोड़ी देर के लिए मैं उसे सुखाने के लिए ऐसे खुले ही रखूँगी। चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कर लिया था और फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज बेसन की ढोकली होती है, उसकी सब्जी बनानी थी तो ये मैं बना रही थी। तो ये सब मसाले चाहिए होंगे हमें, जो लहसुन का रेगुलर होता है वो, थोड़ी सी प्याज कटी थी और टमाटर थे, तो कुछ ये सारे जो मसाले सूखे होते हैं वो चाहिए होंगे। तो मैंने ये सब कुछ रेडी करके रख दिया था। ये बेसन और छाछ, इसमें थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती जो होती है वो डाली थी, और हरी मिर्च डाली थी, और प्याज छोटी छोटी कट करके डाली थी। उसके बाद मैंने उसे छाछ थोड़ी सी डाली और उसके बाद पका लिया था। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बेल कर उसके कट लगा ली थी यहाँ पे। और फिर उसके आप अगर जैसे चाहो उस तरह से कट लगा सकते हो, छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे उसके कट कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, और उसके बाद उसमें मैंने ऑयल गर्म हो गया था, और तो उसके बाद जो प्याज हमारी कटी हुई थी वो डाल दी थी। और हाँ, मैं यहाँ पे भूल गई थी, पहले मैंने यहाँ पे लौंग और तर्ज होता है जो, वो मैंने डाल दिया था, और उसके बाद मैंने प्याज डाली थी। उसके बाद प्याज जब भून गई तो फिर मैंने यहाँ पे जो मसाला मैंने रेडी किया था, लहसुन अदरक और दूसरे जो सारे सूखे मसाले होते हैं, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, वो सब कुछ मिक्स कर दिया था यहाँ पे पानी थोड़ा सा डाल के। और फिर उसमें प्याज के साथ मैंने उसमें डाल दिया था और उसको भून लिया था। फिर वो थोड़ा सा भुना, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो टमाटर मैंने एक कट किया था वो डाल दिया था, और उसके बाद उस दोनों को भून लिया था। और फिर उन सबको भून लेने के बाद जो मैंने जो हमारी ढोकरी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी थी। तो पहले यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा ही टमाटर डाला है, अगर आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो मैंने ना एक टमाटर डाला था बस। और ये देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से ढोकली जो हमारी थी उसे कट कर ली थी, और फिर मैंने उसमें डाल दी थी। अगर आप चाहो तो पानी पहले डाल सकते हो, उसके बाद उबाल आए उसके बाद भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल दी थी। अगर आपको इस तरह से पसंद ना हो तो आप इस तरह से सूखी भी बना सकती हो। अगर आपको ग्रेवी वाला साग चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से बनता है यहाँ पे। देखो अभी बस मैं उसे नमक उसमें थोड़ा सा डालूंगी, और उसके बाद उसे उबाल आने तक छोड़ दूंगी, और उसके बाद बस एक दो उबाल आ जाएंगे तो रेडी हो जाएगी हमारी ढोकली का जो साग होता है वो। तो कुछ इस तरह से मैंने बनाया था। तो जब तक ये बन रहा था उसके बाद तीठा के आवाज़ आ गई थी उठने की कि मम्मा मैं उठ गई हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो उसके बाद मैं वहाँ उसे लेने के लिए चली गई। तो तीठा हमारी उठ गई है, देखो कहाँ दिख भी नहीं रही। तीठा तुम तो दिख भी नहीं रही, कहाँ पे हो? ये रही सिर्फ ये अपने पैर ही दिख रहा है। आ जाओ बाहर, आ जाओ, ले थोड़ा मुझे, चल ली बाहर आओ, वरना मैं जा रही हूँ अंदर। अंदर जाऊं? चलो गुड मॉर्निंग। तो कर लियो अपने हाथों के दर्शन, कैसे करती है? दिखाओ, सबको दिखाओ।
कैसे करती हो अंडरस्टैंड, कैसे करती हो? हाँ ओके, सबको जय श्री कृष्ण कह दो। चलो गुड मॉर्निंग, इधर नहीं, इसे यहाँ से आओ। आओ इधर, नहीं दिख रहा अच्छे से, यहाँ से अच्छे से आके कहो। आओ हाथ दो, हाथ दो अपना, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, आओ जल्दी से। ये देख लो, तो फिर नहीं दिखाती मैं तुमको, नहीं दिखाऊंगी, नहीं आना ना। चलो मैं जा रही हूँ अंदर। हाँ, और गर्मियाँ शुरू हो गई है तो फैन ऑन है, शायद आपको आवाज़ आ सकती है ना। अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो आप मुझे बताना, तो फिर मैं फैन ऑफ कर दूँगी, वरना रखूँगी ऑन। ओके, ये देखो, जय श्री कृष्ण कह दो सबको। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण। बस तो मैं जा रही हूँ, ऐसे ही करना है ना। बोल दो जल्दी से, बोलो। चलो चलिए चलिए, ये अपने नखरे करते रहेगी, हम चलते हैं अंदर। और ये दिख रहे हो सामने, ये देखो, ये सारे कपड़े, ये सब कुछ धुलने में डालना है मुझे, लेट हो गया है। चलो नीचे उतरो, दूध भी नहीं, पहले ब्रश करोगी ठीक है? चलो नीचे उतरो, ब्रश करो। मैंने बाल, मैंने बाल, लाइट ऑफ कर देते हैं, फैन ऑन। चलो चलो, तो अभी जो है मैं वापस किचन में आ गई थी, तब तक उबाल भी आ गया था। ये देखो हमारा साग इस तरह से दिख रहा था, तो मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ी देर उसे फिर से ढककर पका लिया था। और तब तक हमारी ढोकली भी पक जाएगी और उबाल भी अच्छे से आ जाएगा वापस, तो अच्छा लगेगा खाने में। तो कुछ इस तरह से फाइनल में दिखेगा। तो मैंने लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, उसके बाद उसे मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, और रेडी है हमारा ढोकली का टेस्टी टेस्टी साग। साग कह लो, सब्जी कह लो, आप जो भी कहो वो, तो देख लो रेडी है। ये देखो साइड में मैंने यहाँ पे दाल भी उबाल ली थी, तो फिर उसमें भी मैंने तड़का लगा दिया था, तो दाल भी हमारे साथ साथ में रेडी हो गई थी। और उसके बाद मैंने चावल बनाए थे और रोटी बनाई थी, तो ये था आज का खाना। दूध इधर बैठ जाओ, कहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रख दो। ले लो जल्दी से, ठंडा हो गया। नहीं नहीं, ये लो पियो, ये देखो, जब तक बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाएगा ना तब तक नहीं पिए, या नीचे रख देती हूँ ठीक है, पियो। और ये यहाँ पे हमारी फिश बन रही थी कुछ इस तरह से, तो मैं इसे धीमी आंच पर यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दिया था, तो वो भी रेडी हो जाएगा। बस यही था आज का खाने में। तो खाना बन गया था और उसके साथ चावल और रोटी बनाई थी, और अभी अभी खाना खाने बीच अंदर जाना है। और यहाँ पे देखो बेडशीट मैंने बदल दी है, अच्छा कर दिया है कमरे को। और ये हमारी तीथा यहाँ पे आ गई है, तीथा ने खाना खा लिया है, और अभी मैं जाऊँगी खाना खाने। वो खाने, ओ तीथा बेर खा रही है क्या? इसे बेर कहते हैं, तीथा बेर क्या? बोर बेर, बेर नाना बोले बेर। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आके मिलती है। चलो चलो, ये देख लो यहाँ पे कुछ एक गाय जो वो आई थी, और उसके साथ छोटा सा एक प्यारा सा उसका बच्चा था गाय का, तो तीठा उसे देखने के लिए वहाँ पे आई थी बाहर, पर वो बाहर नहीं निकल रही थी, वो डर रही थी। और यहाँ पे जिस गाय को आना चाहिए था वो गाय नहीं आई, और दूसरी गाय जो थी वो आ गई, तो वो कह रही थी कि पहले इसे भगाओ और दूसरी गाय जो है वो छोटा सा बच्चा है जिसके पास उसे बुलाओ। तो वो तो गाय आई पर वो साइड में आ गई, और ये गाय यहाँ पे थी तो वो जा ही नहीं रही थी, तो कुछ इस तरह से। और दीठा डर रही थी और उसे
उसको बच्चे को बुलाना भी था, तो प्यारा सा लग रहा था, छोटा सा बच्चा था, तो हम बाहर देखने के लिए आए थे यहाँ पे। तो आ गए हम, खाना खा लिया और आपने देखा अभी अभी क्या हुआ, टीठा को छोटी छोटी जो वडू थी गाय का बच्चा उसे देखना था और उसे डर भी लग रहा था तो वो बाहर भी नहीं आ रही थी। और चलो अभी मैं दिखाई देती हूँ कि क्या क्या मैं लाई, और कल भी मैं गई थी तो क्या लाई हूँ आपको दिखा देती हूँ। चलिए तो एक तो ये चूड़िया है, ये देखिए मैंने ली है, मुझे पसंद आई थी, आपने देखा ही होगा उसमें मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाली थी और भी थे पर मुझे ये वाली पसंद आई थी तो ये वाली मैंने ली थी। और उसके बाद हाँ ये देख लो, ये देख लो, देख रही है इमली है, ये मुझे पसंद है तो मैंने ये भी ली थी, ये बहुत टेस्टी है, खट्टी मीठी है तो वो भी मैंने ली थी। और ये देखो ये नेल पेंट है जो मैंने वहाँ से ली थी, ये है, ये मैंने करी है एक, और ये पिंक वाली है और ये ग्रीन मुझे अभी ट्राई करनी है, तो ये तीनों कलर मुझे पसंद आए थे तो ये मैंने ली थी। और ये देख लो ये कुछ रबर बैंड है जो मैंने रीठा के लिए लिए थे, डोडो जब उसे चोटी बनानी हो तो उसके लिए। और ये देख लो ये सब चोरी में है, एक ये है जो उसने तीथा ने अभी यहाँ पे देखो लगाया हुआ है ना। और क्या लाई थी, हाँ दिखाती हूँ और क्या लाई थी, और ये एक क्लिप है जो मैंने वहाँ से ली थी, टिक टिक जो पिन आती है वो है, और ये कुछ डब्बे है देखो कुछ इस तरह से, तो ये भी मैंने वहाँ से लिए थे, ये सिर्फ 30 रुपए के है, 30 के ये दो आए हैं तो ये मैंने लिए है, वो अंदर से कुछ देखो इस तरह से है, अच्छा है तो लिया है, और सस्ता भी है बहुत तो ये भी मैंने लिया है। और एक ये देख लो ये है कुछ इस तरह से है ये, तो इसमें मैं सोचूंगी जो कप और ये सब कुछ रखता है वो मैं यहाँ पे चाय के कप लगाऊंगी, और इसमें उसकी जो प्लेट आती है वो रखूंगी या फिर चम्मच और ये सब कुछ रखेंगे तो ये भी काम आएगा। तो ये आपको पता है कितने का है, ये सिर्फ 20 रुपए का है, 20 रुपीस में मुझे ये मिला है, तो ये सब कुछ मैं वहाँ से लेकर आई थी। एक ये है ब्लैक वाला रबर बैंड है जो मैंने लिया है, तो कुछ इस तरह से छोटा छोटा जो सामान है वो मैंने वहाँ से लिया था, देख लो आपने देखा कि मैं वहाँ से क्या क्या लाई थी। और अब मैं कल बाजार गई थी तो वहाँ से मैं क्या लाई वो आप देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से बर्नी है डिब्बे, तो ये मुझे कुछ रखने के लिए काम आएंगे तो मैंने ये लिया है। उसके साथ उसके बाद ये देखिए कुछ इस तरह से बटरफ्लाई है जो इस तरह से बालों में अटक गई ये काम आएगी तो ये लिया है। और उसके बाद फेसियल तो अभी अभी हम नहीं कर रहे तो ये लिया है, देख लो नहीं दिख रहा, एक ये नीम पैक है और एक स्क्रब है तो वो मैं करूँगी, इसके लिए मैं लिया है, और ये तीर्था के लिए ये लिया है नहाने के लिए। और तीर्था ने बहुत जिद करके ये देख लो ये लिया है, ये उसे पसंद थे तो उसने वो जिद करके लिया है, हमने कहा था कि हम अच्छे से लेंगे लेकिन नहीं उसे तो वही चाहिए तो वो लिया है। और ये है मस्कारा, देख लो मस्कारा क्या कहते हैं मस्कारा, कड़ा की कड़ा मस्कारा, ये देख लो। तो ये है अभी मैं ये ट्राई करूँगी, अभी नहीं करूँगी जब लगाऊंगी तब ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से छोटी छोटी शॉपिंग हमने की थी तो आज फाइनल मैंने दिखा दिया, वरना वैसे भी यहाँ पे कितने दिन हो गए थे यहाँ पे पड़ा था क्योंकि आपको दिखाना था तो मैं रख भी नहीं रही थी, तो आज मैंने दिखा दिया। तो आप बताना मेरी छोटी छोटी शॉपिंग आपको कैसी लगी, और बहुत सस्ती और अच्छी है मेरे ख्याल से, जितनी भी टके उतनी। तो ये भी है, आप अगर मम्मी,
हाँ वो बाद में तोड़ेंगे। हाँ तो चलिए अभी अजय टीठा को ट्यूशन में जाना है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, तो अभी फोन करके वहां से पूछेंगे। तो अगर जाना होगा तो उसे ट्यूशन में लेकर जाऊंगी, और अगर नहीं जाना होगा तो फिर टीठा को अभी मैं सुला दूंगी। टीठा के बाल भी आज मैंने धो दिए हैं और टीठा को यू करके मैंने पोनी बनाई है, दिखाती हूँ। देखो देख लो अभी और तोड़ने में देखो, रुको अभी नहीं बेटा बाद में करेंगे। बाल दिखाओ ना, बाल दिखाओ कैसे बनाए मम्मा ने। पीछे 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 घूमो, पीछे तो घूमो, घूम जाओ घूम जाओ पीछे की तरफ। ये देख लो बाल भी थोड़े बड़े हो रहे हैं उसके, ये देखो तो कुछ इस तरह से है। मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने बाल थोड़े से कटवा लूँ क्योंकि मेरे भी बढ़ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कटवा डालूँ। इस बार मैं सोच रही हूँ कि पार्लर जाऊँ और वहाँ से कटवाऊँ, तो देखूँगी क्या होता है। पर अभी कुछ फिक्स नहीं है कब कटाऊँगी, तो देखते हैं कि अभी कब टाइम मिलता है, या फिर मुझे अभी कटवाने हैं या फिर बाद में, तो मैं सोचूंगी उसके बाद कटवाऊँगी। नहीं हाँ पर रुको अभी उसे खोलना है वो सब कुछ। चलिए तो अभी आपको शाम को उठूंगी तब मिलेंगे, या फिर ट्यूशन में से टीठा आ जाएगी उसके बाद। देखो ये क्या कर रही है, क्या खा रही हो, क्या खा रही हो, ये देखो हमने इसका नाम क्या रखा है, टीठा। इसका इसका नाम क्या रखा है इसका, कैंडी केरी। इसे हम क्या कहते हैं, केरी केरी वही कैंडी केरी। ये हमने फ्रीजर में देखो जमाई है, इसका बर्फ हो गया है। अंडू अभी अभी पता थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि आज ट्यूशन में नहीं जाना है, तो मैंने कहा सो जाओ आज नहीं जाना है, तो उसने कहा हाँ मुझे नींद आ रही है मुझे नहीं जाना मैं सो जा रही हूँ, और सोई थोड़ी देर बाद उठी और कहती है कि मुझे अभी नहीं सोना मुझे तो अभी खाना है। क्या खाना है पता है, क्या खाना है बोलो, झूठ बोल रही हो। इसने कहा मुझे रंबल्स वेफर खानी है, क्या खाना है, और फिर मैंने कहा मैं तुमको जाम और रोटी देती हूँ रोल बना के, तो नहीं वो नहीं खाना। फिर मैंने कहा कि ग्रेप्स खानी है, तो उसको ये वाली ग्रेप्स खानी है ना। चलो अभी तो फटाफट खा के सो जाओगी ना, अभी सो जाना। हाँ ऑलरेडी 4:30 हो चुके हैं, कब की सोई है पर वो सोई नहीं रही है। देखो लड़की को नहीं सो जा जल्दी से चलो। चलो ए ए ढूंढ के दिखाओ, ए कहाँ पे है, ए इसमें से ए वेर इज ए, ए इधर रखो इधर इधर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाँ पर पहले यहाँ पे तो रखो ए। अभी बी 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 कहाँ पे है, बी वेर इज बी 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 ये रहा बी। अभी सी सी कहाँ पे है, सी 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 ढूंढो ढूंढो इसे ऐसे करो, ये रहा मिल गया ठाको सी। अभी डी वेर इज डी, डी फॉर डॉग बॉय ना, यस मिल गया रखो। बी वेर इज ई, ई फॉर ई फॉर ठीक है ई फॉर ई ई फॉर E4 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 मैडम ने क्या सिखाया था तुमको, E4 चलो A4 बोलो, A4 A4 B4 C4 D4 No E4 Elephant लो गुड बे। ई ढूंढो वही थोड़ी ना है, वो तो यू था। ई कहाँ पे है, कहाँ पे है ई, ई हाँ यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो ई, वेरी गुड। ये लिखा गया है इसमें एफ हाँ
वो क्या है, वो फीस ढूंढ रही थी, है ना, फीस ढूंढ रही थी ना। फीस नहीं ढूंढना था। एफ ढूंढना था, वो फीस ढूंढ रही थी, उसमें था फ्लावर। एफ फॉर फ्लावर और एफ फॉर फीस, दोनों आते हैं, ठीक है। अभी याद रखना, हाँ नहीं नहीं याद रखना। एच, एच फॉर हैंड। ये देखो यहाँ तक पहुँचे हैं हम, कहाँ पे पहुँचे हैं, एल, एल फॉर लाइन तक पहुँच गए हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आर फॉर रैबिट। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए रिठा बाय। अच्छे से बोल दो, तब तब टक टक टक, वो तो नहीं बोल रही, टप 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 टप, यहाँ नहीं, यहाँ देख के बोलो, टप 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 टप, बाय बाय। चलिए मिल रहे अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।